कृपया इस वीडियो को रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंधभक्त फैन ना देखें, क्योंकि आपको सच्चाई जानकर बुरा लग सकता है। इस वीडियो को वही लोग देखें जो सच में टीम इंडिया के फैन हैं, जो टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें किसी एक प्लेयर से लेना देना नहीं। उन्हें टीम इंडिया की हार और जीत एवं 2013 के बाद ICC ट्रॉफी न जीत पाने से है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देने से पहले वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना, ताकि आपके पास मजबूत सबूतों के साथ सच्चाई मौजूद। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं दोनों ही प्लेयर के साथ में खेले गए ICC नॉकआउट मैचों का पोस्टमार्टम। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में 2013 के ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से आज तक के रिकॉर्ड्स आपके सामने रखे जाएंगे और दोनों ही प्लेयर का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि पिछली रात से ट्विटर पर चोकली और वड़ा पाव ट्रेंड हो रहा है। तो आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में ये इन नामों के हकदार हैं या बस ऐसे ही हवा हवाई में लोग बातें कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से। तो दोस्तों, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल की बात करें तो रोहित शर्मा ने 33 रन 66 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे, तो वहीं विराट कोहली ने 58 रन 90 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे एवं भारत यह मैच जीत गया था। एवं आगे 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात करें तो रोहित शर्मा 9 रन बनाते हैं 64 की स्ट्राइक रेट से, तो उसी मैच में विराट कोहली 43 रन बनाते हैं 126 की स्ट्राइक रेट से और भारत यह मैच भी जीत जाता है और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करता है। तो वहीं 2014 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बात करें तो रोहित शर्मा 24 रन बनाते हैं, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 184 की होती है, तो उसी मैच में विराट कोहली 72 रन बनाते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 163 की रहती है और भारत यह मैच भी जीत जाता है। जबकि आगे 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो रोहित शर्मा 29 रन 111 की स्ट्राइक रेट से बनाते हैं और उसी मैच में विराट कोहली 77 रन 132 की स्ट्राइक रेट से बनाते हैं और इत्तेफाक से भारत यह मैच हार जाता है। जबकि 2015 ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रोहित शर्मा 34 रन और विराट कोहली 1 रन बनाते हैं और भारत यह मैच भी हार जाता है। जबकि T20 वर्ल्ड कप 2016 की बात करें तो रोहित शर्मा 43 रन 138 की स्ट्राइक रेट से बनाते हैं और विराट कोहली 89 रन 189 की स्ट्राइक रेट से बनाते हैं, लेकिन भारत यह भी मैच हार जाता है। फिर आगे बात करें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की तो रोहित शर्मा 123 रन 95 की स्ट्राइक रेट से बनाते हैं, जबकि विराट कोहली 96 रन 123 की स्ट्राइक रेट से बनाते हैं और भारत यह मैच जीत जाता है एवं फाइनल में पहुंचता है। तो फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा 0 रन और विराट कोहली 5 रन बनाते हैं और भारत पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह हार जाता है। जबकि 2019 ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बात करें तो रोहित शर्मा 4 रन और विराट कोहली 6 रन बनाते हैं और इंडिया वर्ल्ड कप से आउट हो जाता है। जबकि 2021 WTC फाइनल रोहित शर्मा 34 रन और 30 रन बनाते हैं और विराट कोहली 44 रन और 13 रन बनाते हैं। और उसी तरह 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रोहित शर्मा 27 गेंदों में 28 रन एवं विराट कोहली 40 गेंदों में 50 रन बनाते हैं और यह मैच भी हार जाते हैं। और हाल फिलहाल के रिकॉर्ड्स WTC फाइनल के आपके सामने हैं, जो अभी फिलहाल चल रहा है। तो दोस्तों, यह थे दोनों ही प्लेयर के साथ में खेले गए ICC नॉकआउट मैचों के रिकॉर्ड्स। अब आप ही कमेंट करके बताओ कि कौन सा प्लेयर किस नाम का हकदार है। क्या दोनों ही प्लेयर अपने अपने जगह सही है या दोनों ही प्लेयर गलत है? क्या इन्हें ट्विटर पर चोकली और वड़ा पाव के नाम से ट्रेंड कराना चाहिए या इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए या ये उन्हीं के हकदार हैं? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।